तो रेसलमेनिया 40 की नाइट एंड हुई है, कोडी रोड्स के साथ में दी अमेरिकन नाइटमेयर का जो एरा है वो WWE के अंदर चालू हो चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स रोमन रेंज द ट्राइबल चीफ दी हेड ऑफ द टेबल की जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन थी वो भी एंड हो चुकी है। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग कवर करेंगे कि क्यों रोमन रेंज हारे आज रेसलमेनिया 40 की नाइट के ऊपर। ऑफकोर्स एक तरह की रियल रीजन वाली वीडियो होगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई साहब, आज रेसलमेनिया देख के मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो पीक रेसलमेनिया होगा। इतना पच भी नहीं रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, जॉन सीना आ रहे हैं, फाइनल बॉस आ रहे हैं, अंडरटेकर आ रहे हैं, कोई बचा था एक आधा उसको भी ले आते हैं। ऊपर से जब शील्ड का म्यूजिक बजा मुझे लगा भाई जॉन मॉक्सली, मतलब क्या ये होगा। लेकिन चलो वो तो सेथ रॉलिंस थे, वो अलग बात थी। लेकिन क्यों रोमन रेंज आ रही है उसके बारे में, जैसे मैंने कहा, इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, मेरे हिसाब से इस बात के लिए डाउट नहीं कि जो रोमन रेंज की टाइटल रेन है बहुत अच्छी खासी जा रही थी कंपनी के अंदर। लेकिन जो एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो थी लैक ऑफ चैलेंजर्स की, जो कि मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा रीजन है कि कोडी रोड्स आज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हैं। देखो एक्चुअल में WWE के जो प्लान्स थे वो ये नहीं थे, वो हम लोग भी जानते हैं। वो प्लान्स थे कि रोमन रॉक का मैच होने वाला था रेसलमेनिया 40 में। लेकिन तुम लोग ये भी तो सोचो कि इवेंचुअली शायद कोडी रोड्स ही वो इंसान होता जो कि डिथ्रोन करता रोमन रेंस को रेसलमेनिया में, नहीं तो समर स्लैम में सही, बिकॉज उसके अलावा कोई WWE के पास में ऐसे अपोनेंट या क्रेडिबल अपोनेंट ही नहीं बचा था रोमन के लिए जो कि डिथ्रोन करने लायक होता। तुम लोग क्या चाह रहे थे कि कल ब्रॉन ब्रेकर आके रोम्स को डिथ्रोन करता, क्या वो ज्यादा अच्छा रहता? नहीं, ऐसा नहीं था। जबकि WWE को लगा कि भाई यही हम लोग के पास फाइनल एक मौका है, और ये फाइनल मौका यही है कि भाई हमें करवाना है कोडी रोड से डिथ्रोन। सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीजन है कि कोडी के अलावा और कोई बंदा बचा ही नहीं था जो कि एक्चुअल में डिथ्रोन कर पाता रोमन रेंस को, या फिर जो लगता है कि बंदा ही डिथ्रोन कर पाएगा। ऑफकोर्स दूसरा सबसे बड़ा रीजन फिनिश द स्टोरी वाला टैग है, जिस तरीके से वी वॉन्ट कोडी चला, कोडी क्राई बीबीज वाला एंगल चला, और उसके बाद पिछले एक साल से फिनिश द स्टोरी वाली टैगलाइन चल रही है, उस पर मीम्स बने। देखो मीम्स भी बने तो इवेंचुअली वो चीज बूस्ट ही कर रहा था कोडी रोड्स की पॉपुलैरिटी को। तो ये चीजें बताती हैं कि ये ओवरऑल कलेक्टिव ना कोडी रोड्स को ही हेल्प कर रहा था, एंड ये वो रीजन है क्यों WWE ने फाइनली कहा भाई फिनिश द स्टोरी, चलो कर देते रेसलमेनिया 40 में, इसलिए नाइट 2 के ऊपर तुम्हें दिखाई दिया कोडी रोड्स की विक्ट्री। सबसे बड़ा एक और जो रीजन है व्हाई WWE ने डिसाइड किया कि फाइनली क्यों ना रोमन से वो टाइटल ले ली जाए, आई गेस वो ये है कि अब ट्राइबल चीफ गिमिक WWE के अंदर एंड होने वाली है। हार्ड ट्रूथ है लेकिन ट्रूथ है। आई नो सुन के बुरा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि भाई क्या टाइटल थी रेन, क्या ऑरा था रोमन का ट्राइबल चीफ वाला। लेकिन रोमन से टाइटल जाने का शायद कहीं ना कहीं मतलब ये भी है कि अब बेबी फेस रोमन या कोई नया करेक्टर वाला रोमन वापस आने वाला है। अभी जो ट्राइबल चीफ करेक्टर है ये तुम्हें शायद WWE में नहीं दिखाई देगा, बिकॉज पॉल हेमन ने पहले भी कहा था कि भैया विदाउट टाइटल ट्राइबल चीफ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब वो टाइटल जा चुके हैं तो शायद WWE के पास प्लान्स थे कि भाई हमें रोमन को करवाना है फेस टर्न, तो उनसे वो टाइटल लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई WWE ने फाइनली डिसाइड किया कि क्यों ना रोमन से वो टाइटल ली जाए। अब शायद जब तुम्हें रोमन दिखाई देंगे वो धीरे धीरे करके बेबी फेस टर्न में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे, और ऑफकोर्स उसमें द रॉक का जो बीट्रेल है वो इन फ्यूचर वाला ऐड हो ही जाएगा। अब एक और जो लास्ट पॉइंट मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि क्यों आज रोमन रेंस हारे हैं, वो ये है कि ट्रिपल एच को एक नया एरा स्टार्ट करना था कंपनी के अंदर, और रेसलमेनिया से ज्यादा अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती है। रेसलमेनिया के बाद हम लोग सोचते हैं ना कि भाई WWE बदल गई पूरी, एक होता है ना मौसम सीजन आया ये पूरा चेंज, तो वो वाला बात थी रेसलमेनिया की कि रेसलमेनिया में एरा चेंज हुआ है, अब कोडी का एरा स्टार्ट हुआ है, ये पॉल का पॉल लेवैक या फिर कह लो ट्रिपल एच एरा है, बिकॉज ये ट्रिपल एच का पहला कंप्लीट रेसलमेनिया था, और उसमें हमने स्टोन कोल्ड अंडरटेकर पता नहीं कितने सारे लेजेंड्स कितनी सारी चीजें एक ही मैच में देख ली। तो ऑफकोर्स एक नए एरा की शुरुआत करने के लिए भी रोमन रेंस से वो टाइटल ली गई है, एंड भाई ये मेरे हिसाब से कुछ रीजंस है क्यों आज रोमन रेंस हारे हैं अपनी चैंपियनशिप को। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। ऑफ कोर्स अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाय द वे आज चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आएंगे तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।